केंद्र की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं के इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप मुखिया अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सेना भर्ती में केंद्र सरकार की नई योजना का देश में हर तरफ विरोध हो रहा है। युवा बहुत नाराज हैं। उनकी मांग एकदम सही है। सेना हमारे देश की शान है। हमारे युवा अपना पूरा जीवन देश को देना चाहते हैं। उनके सपनों को 4 साल में बांध कर मत रखिए। केंद्र सरकार से अपील, युवाओं को 4 साल नहीं पूरी ज़िंदगी देश सेवा करने का मौका दिया जाए। पिछले 2 साल सेना में भर्तियां न होने की वजह से जो एवरेज हो गए हैं पिछले 2 साल में सेना में भर्ती न होने की वजह से जो ओवर एज हो गए हैं उन्हें भी मौका दिया जाए। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन राजधानी दिल्ली भी पहुंच गया है। गुरुवार को दिल्ली के नांगलोई रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे युवाओं ने रेल रोक कर नारेबाजी भी की। युवाओं ने अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन को मोदी भगाओ देश बचाओ का नाम दिया है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस योजना में 4 साल के बाद युवाओं का क्या होगा इस बारे में सरकार ने कोई विचार नहीं किया। मोदी सरकार अग्निपथ योजना से 46,000 युवाओं को देश की सेना में भर्ती करेगी। इस योजना के तहत नौकरी पाने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। मोदी सरकार की इस योजना के लिए युवाओं की आयु 17 से 21 साल के बीच होनी चाहिए और इन्हें 30 से 40,000 प्रति माह सैलरी भी मिलना चाहिए। इस योजना में युवा 4 साल 6 महीने के लिए भर्ती किए जाएंगे। इस योजना को लेकर सबसे पहले बिहार के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और फिर यह धीरे धीरे कई राज्यों में फैलने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।